हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल आरजे लक्ष्मी हिमाचली में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन सभी के लिए है जो बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे जीबीटी की बैच वाइज काउंसलिंग के लिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है, काफ़ी दिनों से ज़िला बार काउंसलिंग लिस्ट डाली जा रही है। तो आज 8 नवंबर 2023 को ज़िला कांगड़ा के लिए भी प्रेस नोट रिलीज़ हुआ है, जिसमें बताया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा जेबीटी के बैच आधार पर 166 पदों, जिसमें जनरल के 58, जनरल ईडब्ल्यूएस के 22, जनरल डब्ल्यूएफएफ के 2, ओबीसी के 26, ओबीसी बीपीएल के 7, ओबीसी डब्ल्यूएफएफ 1, एससी के 34, एससी बीपीएल के 7, एससी डब्ल्यूएफएफ का 1, एसटी के 6 पद, एसटी बीपीएल के 2। इनको भरने के लिए ज़िला कांगड़ा के जो भी अभ्यर्थी हैं, जिनका नाम संबंधित रोज़गार कार्यालय में दर्ज है, उनकी काउंसलिंग कैटेगरी वाइज दिनांक 20 नवंबर से 22 नवंबर 2023 तक चलेगी। इसके लिए आप वेबसाइट www.dteekangda.in पर भी जाकर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात आपको बताना चाहूँगी कि जिनके नाम ज़िला रोज़गार कार्यालय में दर्ज हैं, वो तो काउंसलिंग में आएंगे ही, लेकिन कई बार किसी वजह से अगर उन्हें लगता है कि लिस्ट में उनका नाम नहीं है, लेकिन आरएनपी नियमों के तहत बैच वाइज योग्यता वो अभ्यर्थी पूर्ण करता हो, तो वो भी निर्धारित तिथि को काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि अब 15 अंकों का मूल्यांकन विभाग द्वारा रद्द कर दिया गया है। इसके स्थान पर योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा। काउंसलिंग में जाने से पहले आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेज तैयार करने होंगे, जिसमें मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र, प्लस टू मूल प्रमाण पत्र, टेट पास प्रमाण पत्र, जेबीटी, डीएलएड, रोजगार कार्यालय पंजीकरण पत्र, हिमाचल मूल प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सेनानी वर्ग संबंधित प्रमाण पत्र, आईआरडीपी वीपीएल संबंधित प्रमाण पत्र और नवीनतम सत्यापित फोटो। डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन द्वारा कैटेगरी वाइज पोस्ट इस प्रेस नोट में बताई गई हैं। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं कि आपकी काउंसलिंग किस डेट को है। रोजगार कार्यालय में जिन अभ्यर्थियों के नाम दर्ज हैं, उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके लिए आप विभाग की वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार फिर से बता दूं, अगर
किसी कैंडिडेट का नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो वो अगर पूरी योग्यता प्राप्त है तो वो भी इस काउंसलिंग में जा सकता है। फ्रेंड्स, ऐसी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।